हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने YouTube चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं कल ही आपसे कहा था कि अब मैं जो है कि पैडागोजी जो आपको कथन निष्कर्ष वाला कौन भैया क्वेश्चन कथन निष्कर्ष और जो आपके आर वाला होता है ना ये व्याख्या कर रहा है कथन। तो ये अब हम क्या लेने वाले हैं कथन निष्कर्ष वाले, चाहे कथन निष्कर्ष कह लीजिए क्या निष्कर्ष या फिर क्या कह लीजिए कथन निष्कर्ष या कह लीजिए कि क्या ए व्याख्या कर रहा है आर की ऐसे क्वेश्चन, और दूसरा का व्या कूट वाला, दूसरा क्या कूट वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। टोटल आपके पास 25 क्वेश्चन है, नंबरिंग करके एकदम तगड़े में तैयार हो जाइए। ऐसा क्वेश्चन आपके बार बार क्या है एग्जाम में आ रहा है। हर साल आपको लगभग 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, हर प्रीवियस ईयर में 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं क्या कूट वाले और इका आर व्याख्या करता है फलनवा का और एक अर्थ का ऐसे चीज आ वाला। देखिए ये 4 फरवरी में 1 क्वेश्चन, 4 फरवरी में 2 क्वेश्चन, 4 फरवरी में 3 क्वेश्चन और 4 फरवरी में 4 क्वेश्चन। और देखा भैया 4 फरवरी में 4 क्वेश्चन था, कितना 4 क्वेश्चन 4 फरवरी में, तो मतलब कथन निष्कर्ष और क्या आर वाला मिला के 4 क्वेश्चन। ये मैंने देखा 3 फरवरी में 1, 3 फरवरी में 2 और 3 फरवरी में 3 और 3 फरवरी में ये भी आपका 3 फरवरी का है 4, 3 फरवरी का 4, 3 फरवरी में 5 और 3 फरवरी में 6, 3 फरवरी में भैया 3 फरवरी में 5 क्वेश्चन, मतलब 4-5 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। कौन सा ए व्याख्या करता है आर का, आर व्याख्या करता है ये, या तो कूट वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तगड़े वाले बढ़िया वाले क्वेश्चन। आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो पैडागोजी में आपको 5 क्वेश्चन ऐसे आने वाला है, ये साफ आ रहा है सर कि ज़्यादा आ रहा है वो चीज़। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना, आप इसे सॉल्व करके बताइए क्या आपका आंसर सही होगा। हम देख लेते हैं जरा साफ आ रहा है कि नहीं लिखा हुआ, ज़्यादा छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन क्या करें ये ऐसा है, ये है कि इसको पूरा लेना ही पड़ेगा ऐसे ही। थोड़ा सा भैया क्वालिटी बढ़ा के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, दिख रहा है वैसे क्लीन, ऐसी बात नहीं है, क्लीन दिख रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी क्या करेंगे आप लोग बढ़ा लेंगे आपको साफ दिखाई दे देगा। ये कूट वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, अगर मैं अपने से टाइप करता तो शायद टाइप करता मैं अपने से तो 2 लाइन में आ जाता और बाकी 3 लाइन में यहाँ से आता आया था क्वेश्चन समझ में सबको आ जाता। अब ये फोटो खींचा गया क्योंकि टाइप टाइम है नहीं PDF बनाने के लिए, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है, तो आप लोग काम चला लीजिए इस बार कैसे भी करके। देखिए ये क्या कह रहा है, आप इसका आंसर एकदम तैयार रखिएगा, क्या है आप इसका आंसर तैयार रखिए। देखिए क्या कह रहा है, इसने कहा कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों को मौखिककरण के लिए प्रोत्साहित की, ठीक है अच्छी बात है। कह रहा निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, बहुत अच्छा, दोनों सही है, क्या है दोनों सही है आपका, और ए आर की व्याख्या भी कर रहा है। तो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका ये बताइए आंसर में आपका, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए व्याख्या कर रहा है आर का, तो आप यहाँ पे कह रहा है पीछे देखते हैं ए और आर गलत है, नहीं भैया वहाँ पर तो बताएं दोनों सही है, ये कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, हम बताएं दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, कर रहा है भाई कर रहा है, ए आर की व्याख्या कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन 5-7 मिलेगा, दिमाग में एकदम बैठा के रखिए, आज 25 फिर मैं कल 25 लेके आऊँगा ऐसे आर और इस पे करके, तो ऐसे क्वेश्चन 50 तो कर लेंगे तभी काम आपका बन जाएगा। ये भैया कूट वाला, ये कहा कूट वाला, इसने कहा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक, हम आपको कई बार बता चुके हैं समालोचनात्मक है, चाहे क्या है आलोचनात्मक है, समालोचनात्मक है, आलोचनात्मक है, विवेचनात्मक, विवेचनात्मक, ये सब आपके क्या होते हैं, सब आपके पॉजिटिव होते हैं, यही सब क्या होता है, यही बन जाता है रचनात्मक, ये क्या बन जाता है रचनात्मक, यही क्या बन जाता है सृजनात्मक, यही क्या बन जाता है अन्वेषण, ये क्या बन जाता है अन्वेषण, ये बन जाता है क्या करना खोज करना, फिर से बात करके सीखना, कैसे गतिविधि आधारित, ये सब आएगा भैया पॉजिटिव होगा। तो इसने क्या कहा, लाइट कम बेसी हो रही क्या भाई, इसने कहा कि महत्वपूर्ण निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, तो ये बात में देखे क्या विषय वस्तु का कंठस्थी, अरे व्यल लेके अगर रटावे के ना, जो लड़का पढ़ने में तेज तरह होते वो रटते उड़ते नहीं है, अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण, अच्छा अध्यापिका के निष्क्रिय नहीं, अध्यापिका का सक्रिय, सक्रिय होकर क्या करना है अनुसरण करना है,
जानकारी की पुष्टि करने हेतु, ठीक है, समस्या पर अपसारी चिंतन करना। तो पहले का चौथा कोने कोने में सही है, तो चौथा भैया खाली एक जगह सही है, योजना चौथा है, योजना चौथा ना, योजना चौथा एक ही जगह चौथा, तो हम सीधे क्या कर देंगे तीसरा और चौथा सही है। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन, तब जाके आपको सॉल्व हो पाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, कूट वाले क्वेश्चन, तगड़े में, अच्छे में, बढ़िया में, अच्छा वाला, बढ़िया वाला, सस्ता वाला ना भैया, महंगा वाला क्वेश्चन इसके बाद आएगा। ये कह रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिनियम के कौन से तरीकों पर बल देती है, कौन से तरीकों पर बल देती है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिनियम के कौन से तरीकों पर क्या करती है बल देती है। पहला कह रहा है अनुभवनात्मक, ठीक है, अनुभव वाले भी ठीक कह रहा है। डिजिटल अधिगम, अच्छा, कह रहा है वैज्ञानिक अधिगम, ठीक है, करके सीखना, ये भी ठीक है, सारे ऑप्शन लगभग लोग क्या है, सारे ऑप्शन सही है। करके सीखना, देखा पहला का डी वाला तो कुल लेने में हुई, तो डी वाला मतलब एक दो तीन चार, मतलब चौथा वाला क्या होगा सही, तो चौथा देखिए इसमें दिख रहा है, चौथा इसमें इसको काट दीजिए। हमने कहा वैज्ञानिक अधिगम, ये सारा कुछ क्या है आपके सारे क्या है क्लियर है, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से क्या सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं। आज ही भैया आज ही ये जब क्वेश्चन आई तब तुम्हें तकलीफ हुई, हम क्या करते पहले कथन 19 का पढ़ लेते, फिर इसके बाद देखते क्या कह रहा है। इसने क्या कहा, इसने ये कहा भाई कि किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। अब जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चे के क्या है पूर्व ज्ञान से जोड़ के आपको पढ़ाना है, उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, और कौन भाषा में, दिनचर्या, दिनचर्या के भाषा में, ठीक है, और कौन भाषा में, मातृभाषा में, ठीक है, और किस भाषा में, रोजमर्रा, रोजमर्रा की भाषा में, दिनचर्या की भाषा में, मातृभाषा में, और क्या, इनसे जोड़ के बच्चों को उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर पढ़ाना है, उसके जीवन से संबंधित करके पढ़ाना है, उनके जीवन से जोड़ के पढ़ाना है जो भी आप पढ़ा रहे हैं। अच्छा दूसरा क्या गलत भैया कि अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है, कंठस्थीकरण आपका नेगेटिव, तो ढूंढा कोने में ए सही और आर गलत, इसमें ए सही और आर गलत, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं भाई कि ए और आर दोनों गलत, हटा दीजिए ए सही लेकिन आर गलत, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब फिर भी आ गया कूट वाला क्वेश्चन, फिर क्या आ गया कूट वाले क्वेश्चन, ठीक है, आधा आधा घंटा देंगे टाइम, 25-25 क्वेश्चन निपटा लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये कह रहा है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है, विकास, आप थोड़ा सी साइकोलॉजी की बात आ गई, भौतिक वातावरण ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथा ठीक है, आनुवंशिकता ठीक है, तीनों कोनों में लोकत है कोनों में नलोकत है, चलोकत बा किसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों किसमें डी में आपके सही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। विकास और वृद्धि किस पर डिपेंड करता है, वहाँ से क्वेश्चन आपका आ गया था, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जब आपका जन्म होता है, मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं भाई, मैं सब कुछ समझा के रखा हूँ पहले से आपको, जिसको तकलीफ हो रही है प्रीवियस वीडियो जाके देख लें। आइए इसमें भी हम दोनों पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसमें मेरा क्या सही होने वाला है क्या गलत होने वाला है। आप पढ़िए एक बार क्वेश्चन, क्या करिए आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। मैं अब काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो हम 500 क्वेश्चन क्या 700-800 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमको ज़्यादा समझ में आएगा। इसने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाँचवीं तक या पाँचवीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, तो बिल्कुल सही है, उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, क्या 1 से 5 तक, ठीक है। फिर उसने कहा कि छोटे बच्चे अपने मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते, दोनों सही हो, दोनों सही है, तो देखते दोनों किसमें सही है, क्या ए और आर की व्याख्या सही कर रहा है, दोनों किसमें सही है, तो कहेंगे ए आर, ये कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसको क्या क्लिक कर लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस उन दोनों कोड को समझना पड़ता है और कुछ करना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थी की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है, किसी समस्या
प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिककरण समस्या समाधान कौशल में बाधा, क्या कहल भैया, बाधा डालता है। दूसरा गलत, पहला सही, पहला सही दूसरा गलत, तो सी से हो जाएगा। पहला सही दूसरा गलत, यहाँ क्या सही हो जाएगा, हमारा सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणन की हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा, ये कूट वाला भाई, ये कूट वाला है, ये क्वेश्चन कूट वाले हैं। पहले देखना तीनों इसमें सही क्या है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें आपको आना है। इसको अच्छे से पढ़िए और बताइए क्या इसमें से सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आठवां है, क्वेश्चन नंबर आठ है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको देखना है तो किसके अंतर्गत आएगा। यह स्थानिक मान के अवधारणा पर आधारित है, ठीक है। सभी संख्याओं 0 से 9 तक अंकों के परिमित समूह का प्रयोग निरूपित की जा सकती है। ये कह रहा है यह एक चित्र लिपि पर आधारित व्यवस्था है, और ये कह रहा है किसी भी संख्या के अंकों का कम क्रम अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे अंक दाएं से बाएं हो जाएं, ई ना भैया। और ये क्या कह रहा है, यह एक चित्रलिपि पर आधारित ये भी नहीं है। ये कह रहा है सभी संख्याएं 0 से 9 तक अंकों पर परिमित समूह का प्रयोग, ये ए और बी सही है। जितनी भी संख्या आपकी बनती है 0 से लेकर 9 तक की होती हैं, उन्हीं में सारे कुछ होता है, तो ए और बी कहाँ सही है, मेरा डी सही है, ए और बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं क्या हमारा सही है। ए बी और सी और तीन है, तीनों को पहले देखते हैं कौन सही आपका कौन गलत है, फिर इसके बाद हम नीचे कूट में आते हैं। इसने कहा राष्ट्रीय पाठ्यचर्य रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखना सत्य कौन सा है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणाओं को समझाते हैं और बच्चा उसका क्या करता है, पुनरुत्पादन करता है। ठीक बात लग रही है। बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरियों और परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करें, बी भी एकदम बिल्कुल 100% सही है, बी एकदम सही है। शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान विद्यमान विचार से जोड़ना, यो सही है। अरे यार, तब तो ई बी और सी तो 100% है, बी और सी दिख रहा है आपको इसमें, बी और सी दिख रहा है आपको इसमें, तो बी सी क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा आपका, बी सी 100% सही था। ये जो कह रहा है पुनरुत्पादन, यहाँ पे क्या कर रहा है, हम इसको नेगेटिव कर रहे हैं, तो मेरा क्या सही हो जाएगा, बी और सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखा भैया, ये तो ये कई लाइन में काम करना है आपको, इस निम्नलिखित में से कौन सा ABS के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। ना वो भूमिका निभाना, सर्वेक्षण करना, क्षेत्र भ्रमण तो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। शिक्षकों द्वारा शिक्षण निर्देशन, यही हमारा नेगेटिव लग रहा है। संवादन तक शिक्षण, ये भी क्या है मेरा सही लग रहा है। ये सर्वेक्षण भी क्या है मेरा सही है। भूमिका निभाना, ये भी क्या है मेरा सही लग रहा है। भूमिका निभाना भी क्या है मेरा सही लग रहा है। गलत मेरा ये निर्देश है और ये हमारा पूछा है, तो इसलिए हमारा क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले में चलते हैं, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, क्या करना उसको, संसाधन प्रयुक्त करें स्कूली में। ये कह रहा है विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरण प्रभाव से विशेष अनुक्रियाशील होते हैं। ये दोनों सही है, तो हमारा कहा जी पहले हमारे यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। तो पहला क्यों सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं। ए क्या है, आर की व्याख्या, आर क्या है, ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा सही। याद रखिए, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही होता है, ए आर की व्याख्या करता है सही, यहाँ करेगा व्याख्या नहीं कर रहा सही तो है, ये कहेगा ये तो सही लेकिन ये गलत है, लास्ट में कहेगा दोनों गलत है। ज़्यादातर ऑप्शन इसी रूप में मिलते हैं आपको देखने के लिए, आपको बस उन दोनों कूट वाले को समझना पड़ता है। लीजिए भाई, तगड़ा वाला, बढ़िया वाला, अच्छा वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन देखिए और बताइए यहाँ पे क्या आपके सही होंगे।
इसने कहा समावेशी, समावेशी हम बार बार बताएं कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करे। व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं, किसी भी जात लिंग धर्म आयु के आधार पर आप अलग अलग रहते हैं, उनको एक धारा में जोड़ना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। मैं व्याख्या बहुत ही कम कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है नहीं सर और समझाइए तो मैं व्याख्या टोटल कर दूंगा। व्याख्या करने में क्या होता है, क्वेश्चन हम ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो समावेशी आपको पढ़ाया गया टॉपिक वाइज, बहुभाषिकता पढ़ाया गया, बहुसांस्कृतिक आपको पढ़ाया गया, सब टॉपिक वाइज पढ़ा के वीडियो पहले छोड़े हुए, प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर लीजिए शिक्षण वाले में। ये कह रहा है कि जरूरत को पूरा करती, किसको पूरा करती समावेशी, जूझते विद्यार्थी, विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, ठीक है, भावनात्मक मुश्किल जूझते विद्यार्थी, ये भी सही है, वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न हो, और एक अरा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी। यहाँ तो कूलर सही लगा था, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा मेरा, यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ हमारा क्या लग रहा है, सही लग रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अभी भाई ये आ गया, ये किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण लेना चाहिए और गैर उदाहरण दोनों ही चर्चा करनी चाहिए, बात सही है। जो आप सिखा रहे हैं वो भी, जो नहीं सिखा रहे मतलब जो सिखा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ अलग एग्जांपल भी लेना है, और जो एग्जांपल है वो भी लेना है, तो मतलब दोनों उदाहरण क्या करना है, लेके चलना है। ये क्या कह रहा है कि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, गलत बात, विद्यार्थियों को सपोर्ट करते हैं, जो एग्जाम्पल है उसके बाद गैर उदाहरण लेंगे तो विद्यार्थियों को सपोर्ट करते हैं, तो ए तो मेरा सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाए सी, क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ए तो सही लेकिन आर क्या है गलत है। अब ये देखिए कह रहा है एनसीएफ के अनुसार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये कूट वाले क्वेश्चन है भाई साहब, सब कूट वाले क्वेश्चन मैंने लिया आज ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा काम करे, कूट वाले क्वेश्चन कैसे हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, कौन सही है कौन गलत है, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे हम जाते हैं, आंसर पे जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था को मार्गदर्शित करेगा, मतलब रास्ता दिखाएगा, मार्गदर्शक मतलब रास्ता दिखाएगा कौन सा। ये कह रहा है कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, क्या है सही, बहुविषयक और समग्र शिक्षा पे बल देना है, ठीक है, बहुविषयक, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, केवल सभी के हटा दें, कारण नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, यो सही है। अब खोजा कोने में ए और कोने में बी और कोने में डी सही है, तो ए बी डी, तो आपको क्या दिख रहा है भाई, ए बी डी, किसमें, बी में सही है, ए बी डी, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ए बी डी, ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है किस पे, बच्चों के पूर्व अनुभव पे, ठीक है, संसाधनों के उपलब्धता पे, ये भी ठीक है, विद्यालय दर्शन, अरे ये क्वेश्चन तो एक बार लिए थे शायद पीछे किसी और प्रैक्टिस में हुआ था, कल वाले में हुआ था, बच्चों की ज़रूरतों पे, यही वाला मेरा गलत था और क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ए सही था, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया आपका, ठीक है, क्यों ले लिए इसमें, क्योंकि इसमें हम कूट वाला करा रहे हैं तो इसलिए इसमें क्वेश्चन आ गया है, नहीं तो इसमें क्वेश्चन आता नहीं, जितना सारा क्वेश्चन आप सब कूट वाला, आज का देखिए सब कूट वाले क्वेश्चन है। अब आइए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहाँ विद्यार्थियों अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें, ठीक है, अपने कमियों को व्यक्त कर सकें, एक ऐसा कक्षा माहौल। ये कह रहा है भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो भैया यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, दोनों की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या सही होगा, ये कह रहा है एक ठो माहौल बनाना, एक ठो यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों क्या है मेरा, दोनों सही है, यहाँ पे क्या करेगा कि दोनों हमारा क्या है सही हो जाएगा, कि आर भी सही है और क्या है, ये दोनों व्याख्या सही कर रहा है, तो यहाँ हमारा क्या सही हो जाएगा, पहला हमारा पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह रहा है एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 16, जहाँ पर जरूरी है जहाँ पर विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके, ठीक है, ऐसा माहौल बना जहाँ पे बच्चे क्या अपनी कमियों को बता सके और उस कमियों पर क्या थोड़ा चर्चा की जा सके, दोनों की बात सही है। ला भैया ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन आ गया आपके सामने,
देखिए, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कर दीजिए। काफ़ी रात हो गया, हम लोग रात में वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या है, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सकारात्मक, विद्यार्थियों में सहभागिता 100% सही, ठीक है ना। तो पहले कहा दू कोने कोने में है, दू देखिए इसमें भी है, दू इसमें नहीं है, दू इसमें भी है, दो इसमें भी है। अब कह रहा है कि अधिगम को सकारात्मक रूप से कौन प्रभावित करता है, ये कुपोषण है, ये क्या है, ये नेगेटिव। पहला देखा कोने में है, पहला मीन तक काट दा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि दंड, दंड भी क्या है, तीसरा वाला नेगेटिव, तीसरा वाला क्या करिए, इसको काट दीजिए। तीसरा देखिए इसमें भी कट रहा है, तीसरा इसमें भी कट रहा है, तो ये दोनों कट गया। चौथा क्या है, अभिसंज्ञान। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या सही हो जाएगा, आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ये दंड से ये कट गया, आपको कुपोषण से ये कट गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है दो कथन दिए गए हैं, उसमें ये आर की व्याख्या कर रहा है। ऐसा वाला क्वेश्चन आपका बार बार मिल रहा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम किस पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। कई विद्यार्थी गणित में भय और असफलता के बोध का अनुभव करते हैं, ठीक है, डरते हैं थोड़े से गणित से, कुछ लोग ऐसे होते हैं, और क्या है, बोध मतलब ज्ञान के अनुभव थोड़े उनके कम होते हैं। तो जेंडर भिन्नता गणित में भय के लिए उत्तरदायी है, नहीं, जेंडर भिन्नता भिन्न के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये सही लेकिन आर क्या है, गलत है। ये सही लेकिन आर क्या है, गलत है। कहाँ पे, ए के लिए सही नहीं, ये कह रहा है ए सही लेकिन आर क्या, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, नहीं, ए सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। तो क्या सही होगा मेरा, सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ए सही है परंतु आर कारण सही नहीं है, जेंडर नहीं भाई, जेंडर लिंग पूर्वाग्रह की अवधारणा कहाँ पैदा कर रहे हैं, इसमें लिंग पूर्वाग्रह की अवधारणा कुछ इसमें नहीं होनी चाहिए। आज ये देखिए बहुत अच्छा आकलन, आकलन बहुत अच्छे से पढ़ा है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन को पढ़ा गया। वीडियो बहुत कम बनाते भैया हम, बहुत कम, और जितना वीडियो को बना के दिया जा रहा है ना उतना ही पढ़ लेंगे तब भी आपका सीटेट काम हो जाएगा। 75 हिदर दौड़ने से कोई मतलब है नहीं, एकदम ऑथेंटिक क्लियर चीज़ दी जा रही है जो आपके एग्जाम में आ रही है और अब तक आई हुई है, वही दिया जा रहा है, कुछ अलग से बताया नहीं जा रहा है। सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर, तो हम आपको बताए थे सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में, ये दोनों कौन करता है, बच्चा करता है खुद से, किसके लिए, कह रहा सहकर्मी आकलन, कह रहा योगात्मक जो होता है अंत में होता है रचनात्मक आकलन। तो देखा कोने में बी और कोने में डी है, तो बी और डी इसमें भी है और बी और डी इसमें भी है, इसमें भी क्या है बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, कह रहा ए और सी, तो सी भी कटत कोने में हेमैन, तो कौन से हो जी, बी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्यों कह रहा योगात्मक आकलन, अगर साल के अंत में आपको पता चलेगा तो क्या फ़ायदा, पूरा बाबू को पैसा बर्बाद हो जाए, ठीक है, पैसा बर्बाद हुआ, आपका समय बर्बाद हुआ, तो अधिगम ये लास्ट में नहीं किया जाता है। योगात्मक आकलन को हम क्या कहते हैं, योगात्मक आकलन को हम व्यापक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, व्यापक भी कह सकते हैं यहाँ से, और रचनात्मक को हम क्या कहेंगे, सतत मूल्यांकन कहेंगे, सतत मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, इसके अंतर्गत ये सब आ जाएंगे। बस ये क्वेश्चन है ना, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं ऑप्शन में ए बी सी डी, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे आज ऐसे ही होने वाले हैं। मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पे हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है, मतलब क्यों मेरा गांव कट रहा है, ठीक है ना। तो जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूं तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती हैं, जयंती क्या कह रही है, वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा कक्ष गतिविधि संबंधित करना चाहती है, ठीक है, वास्तविक जीवन को क्या है संबंधित करना चाहती है, कक्षा कक्ष गतिविधि संबंधित करना चाहती है वास्तविक जीवन को, कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन एक रोक ले रहा, अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा ये हो जी सही, पहला और सी दूठ पकड़ ले रहा, अवलोकन पर चिंतन पर तर्क का प्रयोग योग पकड़ ले रहा, ए सी डी, ए सी डी कोनों में ना है, तो देखा पहले पहले क्या पढ़ा, पहले सी, सी कहीं दिख रहा है, सी दिख रहा है एक जगह दिख रहा है, सी यहाँ पे, डी भी दिख रहा है अवलोकन पर चिंतन पर तर्क का प्रयोग, ये डी भी हो जाएगा आपका सही, सी भी हो जाएगा,
और क्या है ए बी हो जाना चाहिए। तो लेकिन ए तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ए के साथ बी आ रहा है, ए के साथ बी आ रहा है, तो बी की वजह से हम ए को क्या करेंगे, इसको काट दिए। बी इसमें आ रहा है तो इसको भी काट दिए, बी इसमें आ रहा है तो बी को इसमें भी क्या काट गए, काट दिए। तो ये कह रहा है बी और डी की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च। ये क्वेश्चन नंबर सर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 से ये कह रहा है वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा कक्ष गति, अच्छा ये उल्टा लिखा सर, ये क्या लिखा, उल्टा लिखा है। कह रहा है कि किताबी ज्ञान को उसके वास्तविक जीवन से जुड़ना था, ये कह रहा है वास्तविक जीवन को उसके किताबी ज्ञान से करना है जुड़ना, थोड़ा सा उल्टा कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम इसको कट कर देंगे। और ये उच्च स्तरीय की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कक्षा कक्ष गतिविधि पे उच्च स्तरीय चिंतन और आपका अवलोकन पर चिंतन, यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। और कर अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, यहाँ पे बी और डी आपको क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। बी और डी किस में, चार में बी और डी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन था। लो भाई कूट वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होंगे, माफ़ करिएगा भाई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता तब छोड़ के भाग जाते हैं, इसलिए मैं एक वीडियो दो वीडियो कूट वाले पे करा दूंगा। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़े से आपको क्या लगेंगे, अच्छे लगेंगे। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा तीन में पाठ पौधे थे ना, पौधे की परी में दादे के खेल के बच्चों में पौधों के बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को क्या करने आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। सबसे अधिक पौधे की सही पहचान करने वाले बच्चे की पहचान, बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत। ये बी वाला बिल्कुल सही है, बी वाला आपको 100% सही लग रहा है, बी वाला क्या है, बिल्कुल सही है। तो बी वाला देखिए, बी वाला यहाँ पे, बी वाला यहाँ पे है, तो आप ए वाला को देखेंगे और किसको देखेंगे, सी वाले को देखेंगे। तो मैं सी को देखता हूँ, बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास, बिल्कुल सही है इसी। और ए क्या कह रहा है, सबसे अधिक पौधे की सही पहचान करने की बच्चे वाली पहचान, तो बच्चों की पहचान करने वाले बच्चे की पहचान, लड़का के पहचाने में देखा, तो यहाँ मेरा क्या सही हो जाएगा, बी और सी, क्या सही होगा, सही है मेरा सर यहाँ पे बी और सी, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बच्चे की पहचान। और यहाँ क्या कह रहा है, स्पर्धा कह रहा है ना, प्रतिस्पर्धा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 कभी आया था नहीं, बड़ी यार क्वेश्चन है, कहा क्यों करी, लड़का उजा जी है, देख के ही खाली, चलिए एक एक करके हम सही करते चलते हैं, देखते हैं मेरा क्या सही हो रहा है, आप भी अपना दिमाग लगाते रहिए। कह रहा है सही कथन का चयन करना, क्या करना भाई, सही कथन का चयन करना है। कह रहा है एनसीएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक एबीएस के शिक्षण की निर्धारित करता है, एबीएस शिक्षण निर्धारित 1 से 3 तक कहाँ पढ़ा जाता है भैया, कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं है की गई, जिससे कि विद्यार्थी को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। और कह रहा है फर्स्ट और सेकेंड में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाए, ये कहाँ विज्ञान विज्ञान पढ़ाया जाता है 1 से 2 में, ना, ईवीएस वह विषय है जो केवल 4 और 5 में पढ़ाया जाता है, ये कहाँ आप देखते हैं क्या है, सी और डी तो पहले कट गया, सी और डी को काट दीजिए, तो सी डी यहाँ कट गया और कहीं नहीं गया सी डी, अब बात आती केवल बी, ए बी और ए, तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा हमारा, ए और बी से हो जाएगा, सी डी को हमने काट दिया, तो ए और बी क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा, ए बी मेरा किसमें सही है, पहले में, इसमें सही भाई, ए और बी, मैंने कहा एनसीएफ 2005 का अच्छा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करना, अरे 1 से 3 तक ईवीएस कहाँ चलता भाई, 3 से 5 तक ईवीएस चलता है, क्या चलता है, 3 से 5 तक ईवीएस चलता है। और ये कह रहा है 1-2 कोई पाठ्य पुस्तक अभी निर्धारित नहीं 1 से 20 तक, तो मेरा कैसे हो जाएगा, बी से हो जाएगा, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या सही होगा, बी सही होगा, यहाँ पे केवल बी एक ऑप्शन। विषय परिवार एवं मित्र में पौधे एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है, जिससे कि इधर चमक ले यार बहुत ज्यादा, इधर से भी चमकने लगता है, पढ़ ही नहीं पाते हम सही से, इधर खड़े हो तो उधर नहीं, यहाँ से खड़े होते तो लाइट कोने पे आती, यहाँ तो ये एकदम बीचों बीच यहीं पे लाइट आ रही है, यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, उधर खड़े होंगे तो यहाँ बीचों बीच आती है।
कह रहा है इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रभाव, ठीक है, उन्हें एक समग्र एवं समकालीन वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके, उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके, विद्यार्थियों को पौधे और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। सारे ऑप्शन कुछ अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं। तो मैं देखता हूँ ये भी क्या है कि इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध, मतलब मानव का पर्यावरण के प्रति कैसा संबंध है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। उन्हें एक समग्र मतलब सभी को मिला के चलने की बात कर रहा है, समकालीन वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके, ये भी बात क्या आपकी सही है। उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके, क्या कह रहा है, अवस्थित किया जा सके, ठीक है। अब विद्यार्थियों को पौधे और जीवों में विभेदी मतलब तुलना करने की योग्यता दी जाए, ऐसी बात इसमें नहीं की गई है। तो यहाँ पे मेरा क्या सही हो जाएगा, ए बी और सी, हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और सी सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए भाई, दो क्वेश्चन आपके पास और हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करिए आप लोग। पहले ए और आर पढ़ लीजिए, फिर ये व्याख्या कौन कर रहा है, आर कर रहा है, आँख दर्द करने लगती सर इस पर वाइट वाले पे, जब तक सीटेट चलेगा तब तक इस पर पढ़ाना ही पड़ेगा वाइट वाले पे, अपना पीडीएफ रहता है पढ़ाने में थोड़ा सा अलग मजा आता है, और पीडीएफ बनाने के लिए समय नहीं है, नेक्स्ट ईयर पीडीएफ बना के तब बढ़िया से विधिवत काम किया जाएगा। चलिए ये क्या कह रहा है भाई आपको, ये कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व विविध प्रकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाई वाले बच्चे शामिल नहीं है, समावेशन में सब होना, ठीक है ना। समावेशन का मतलब बिना अंतर किए क्या करना, समाहित कर लेना, समायोजन मतलब होता है थोड़ा सा अंतर करके, ये समावेशन किसका शब्द भाई, ये समावेशन को हम यहाँ क्या समावेशी कह सकते हैं, लेकिन जब प्याजे का नाम आए तो समावेशन मतलब बिना अंतर किए क्या करना, वस्तुओं को एक संग्रह में ले लेना, नई जानकारी में कोई पुरानी जानकारी में कोई नई जानकारी आई तो बिना संशोधित के उसे क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना, कि कौवा को काला समझने वाला बालक कोयल को भी क्या समझता है, कौवा समझता है, ठीक है ना, कौवा को मतलब कौवा को क्या समझता था, काला, तो कोयल को भी क्या कहता था, कौवा कहता था, तो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेता था, तो मतलब एक तो सही है दूसरा क्या है गलत है, तो तीसरा ऑप्शन किधर मेरा, यही है, ये तो सही है लेकिन आर क्या है गलत है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। भैया क्वेश्चन नंबर 25 भाव, एक बात क्वेश्चन नेक्स्ट और बची, इसके बाद आपका जो है वीडियो यहीं पर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी तो बताइएगा, फिर से मैं कूट वाला एक और 25 नंबर 25 क्वेश्चन करा दूंगा, टोटल 50 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे कूट वाले बस केवल। एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे, कह रहा है ईवीएस शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप बनाने के लिए योजना बनाना है, केवल बाहर केवल तो हटाएगा, मूल्य प्रभावी, प्रकृति में समावेशी, ठीक है, बच्चों में अभिरुचि जागना, तो ठीक है डी हटा दीजिए, पहले डी से यहाँ हटा दीजिए, डी से यहाँ हटा दीजिए, क्या बच रहा है, ए बी सी बच रहा है आपका, ठीक है ना, डी गलत है, डी से तो पहले क्या करेंगे दो ऑप्शन को हम काट लेंगे, आप लोग भी ऐसे पहले ऑप्शन क्या करिएगा काट लीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। आज का भैया लास्ट क्वेश्चन नहीं है, यही लास्ट क्या था 25 वाला, ठीक है, ये आपके 25 क्वेश्चन है, ये आपके आंसर शीट है, ठीक है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अब क्वेश्चन सॉल्व करके फिर इसको बार बार देखते रहिए आपको कितना सही हो रहा है। तो दोस्त आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है, मैंने ज़्यादा व्याख्या में किया नहीं हूँ क्योंकि समय आप कम है, तो क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिसको व्याख्या वाले प्रश्न देखने पीछे वाले वीडियो को अच्छे से देखिएगा आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा जनों को क्या करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।